नमस्कार, मैं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं ए इजेड न्यूज। इस वक्त की जो खबर आ रही है, बड़ी खबर बाराबंकी से, आपको बता दें कि नए एसपी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। जी, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में तबादलों का सिलसिला जारी है। साथ ही में बाराबंकी के नए एसपी यमुना प्रसाद बनाए गए हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण भी कर लिया है। आपको बता दें, मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने मीडिया से कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों की लिस्ट जारी होगी और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि किसी को भी थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे जिसमें किसी को भी असुविधा ना हो। आपको ये भी बता दें कि 2012 बैच के IPS यमुना प्रसाद ने बाराबंकी जिले में कमान संभाल ली है और कोई भी व्यक्ति थाने में आकर के अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से कह सकता है। जनपद में थाना जो हमारी बेस लाइन है, वहाँ पे मजबूती के साथ उसको मजबूत किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या थाने में स्वतंत्र रूप से आकर के कह सकता है, उसका निराकरण विधि सम्मत तरीके से किया जाएगा। हमारी जो एजेंसी है, जो हमारे थाना प्रभारी हैं और डाउन दी लाइन जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, वो सभी पीपुल ओरिएंटेड होंगे, जनता के लिए जनोन्मुखी व्यवस्था स्थापित करेंगे। किसी भी पब्लिक को ये ना लगे कि हम थाने में जा रहे हैं तो उसे डर लगे, शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। सभी लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। जितने भी माफिया तत्व हैं, गुंडा तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये एकदम ही स्पष्ट मैसेज है।